इसका बहुत बहुत दुर्लभतम संयोग है। हमारे प्रधानमंत्री जी बड़े विज्ञ हैं, विद्वान हैं, और इसीलिए उन्होंने आज का दिन चुना, 5 अप्रैल ही चुना गया। आज रात्रि को 9 बजे का जो समय चुना गया है बड़ा दुर्लभ योग है। आज रात्रि को 9 बजे एक विशेष योग बन रहा है, जो कभी कभी कई वर्षों में जाकर बनता है। जब भगवान शंकर और माता सती का विवाह हुआ था वो आज के दिन ही हुआ था, और आज के दिन ब्रह्मा जी जो आचार्य थे उस विवाह के, जब उनसे भगवान शंकर ने कहा कि आप क्या दक्षिणा मैं आपको प्रस्तुत करूं, तो ब्रह्मा जी ने आज यही दक्षिणा मांगी थी। ब्रह्मा जी ने निवेदन किया था, चैत्र शुक्ल त्रयोदश्याम नक्षत्रे भगदैवते सूर्यवारे तो यो भक्तिया वीक्षेत भूमि मानव। हे प्रभु, चैत्र शुक्ल त्रयोदशी हो, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र हो, रविवार हो, और इस दिन जो आपका दर्शन करे उसके लिए ब्रह्मा जी ने कहा वर्धताम विपुलम पुण्यम, उसके अत्यंत विपुल विपुल पुण्य बढ़े और रोगान शंत सर्वशः, सबसे बड़ा वरदान मांगा था उसके सारे रोग मिट जाएं। आज के दिन भगवान शंकर ने वरदान दिया था, चैत्र शुक्ल त्रयोदशी हो, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र रविवार, आज शाम को 7:24 के बाद ये योग बन रहा है। और सारे भारतवर्ष को अगर टाइम के अंतर से हम देखें पंचांग के अनुसार, तो लगभग 8:15 के बाद पूरे भारतवर्ष में ये सुयोग होगा। और ऐसे समय स्पष्ट बताया गया है, अपने घर में, मंदिरों में नहीं, अपने घर में बैठकर जो भगवान शंकर की सपरिवार पूजा करेगा, उनकी अर्चना करेगा, दर्शन करेगा, उसके सारे रोग, बड़ी बड़ी महामारियां, सारी आपदा मिट जाने वाली है। ऐसा अद्भुत योग आज है, क्योंकि वेदों में वर्णन है ज्योतिषमे, भगवान शंकर ने कहा मैं ज्योतिष स्वरूप है, मैं प्रकाश स्वरूप हूँ, इसीलिए प्रकाश के लिए कहा गया है। और भगवान शंकर के लिए शिव पुराण में बताया गया है कुबेर के प्रसंग में कि भगवान शंकर के लिए सबसे बड़ा जो दान किया जा सकता है वो दीपदान है, सबसे बड़ी पूजा जो है वो दीपदान है, इसीलिए आज दीपदान करें। इसी के लिए हमारे प्रधानमंत्री ने निर्देशित किया, आह्वान किया है, आप सबसे निवेदन है पुण्य के भागी बने, अपने अपने घरों में बैठकर आज भगवान शंकर के आगे दीपक जलाएं, घरों के बाहर दीपक जलाएं और भगवान शंकर की पूजा करें। और निवेदन करूंगा ओम नमः शिवाय का जोर से जाप करिए, ओम नमः शिवाय का, ये मैं अपनी जोर से जोड़ना चाहूँगा, अत्यंत आनंद होगा, सारे रोग मिटने वाले हैं।